अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ, कामयाबी अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप इस ब्लॉग में देखने वाले हैं अयान का हकीक़े का पूरा ब्लॉग मैं इसमें शेयर किया है। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जहाँ पर अयान का हकीक़े के प्रिपरेशंस का ब्लॉग मैंने डाला था ना, वो जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं पर से अभी मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अभी मेरे भाई और अब्बू, बच्चे सब लोग मेहमानों के रिटर्न गिफ्ट्स को पैक कर रहे हैं और अम्मी और मेरे बड़े अम्मी, सास और सब लोग ना दूसरे कामों में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही सारे कामों से फारिग हुई थी और अभी मैं हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ। फिर उसके बाद हम सो जाएंगे और सुबह, अभी सुबह का टाइम है और हम रात के 4 बजे उड़ गए थे, करीब 1:30 बजे सोए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही हम उठे थे 4 बजे। और अभी फजर की नमाज़ भी हो चुकी और मौलाना भी आ गए थे और अभी होगा अयान का हकीक़ा। तो अभी थोड़ी देर में हम अयान के बाल निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी बाल निकालने की तैयारी हो रही है और साथ में 2 बकरे हमने पीछे बांध दिए थे पीछे बालकनी में, वहाँ पर उनको ज़ुबा कर देंगे। तो यहाँ पर अयान बिल्कुल भी नहीं डाल रहे थे, मैंने हार डालने की कोशिश की थी उनको। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही डालते हैं बाल निकालते वक्त, गले में हार डालते हैं, तो अयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पर मेरे भाई लेकर बैठे हुए हैं अयान को। और हमारे यहाँ पर ना बाल निकालते वक्त बच्चे को मामा लेकर बैठते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई बैठ गए थे अयान को लेकर और मैं बड़ी हूँ और उसके बाद फिर मेरे भाई के बाद मेरी बहन, तो हम तीनों भाई बहन हैं। और आगे आप देख सकते हैं अयान का बाल निकालना शुरू होगा। तो निकालते वक्त अयान कितना सताए थे और कितना रोए थे, तो होता है इतने लोग को देखकर अयान पहले से ही डरे डरे थे और करते वक्त तो और ज़्यादा डर गए थे और भूख रहे थे। मैं लेकर बैठ गई हूँ अयान को क्योंकि अयान बिल्कुल भी नहीं संभल रहे थे भाई के गोद में, तो फिर मुझे लेकर बैठना पड़ा। और इसके बाद थोड़ा रोना कम बंद कर दिए थे अयान क्योंकि मैं थी साथ में उनके। तो अभी यहाँ पर अयान फ़ोन देखते हुए चॉकलेट खाते हुए जैसा तैसा करके अपना बाल निकाल लिए। अयान का फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से अयान का हकीक़ा हो गया और यहाँ पर अयान के बाल निकल रहे हैं और साथ में वहाँ पर बकरे को भी हमने ज़ुबा कर दिया था, तो वो काम भी चल रहा है बालकनी में। अभी सुबह के 10 बज गए थे और यहाँ पर डेकोरेशन का काम चल रहा है। सेलार में ही हमने अरेंज किया था सब कुछ, तो सेलार में ही होगा फंक्शन और हम रहते हैं 3rd फ्लोर में। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को मेरी बेटी सुहाना ने शूट किया था, मैं ऊपर बिज़ी हूँ। और आगे आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाऊंगी डेकोरेशन कैसा था। Thank you.
देखा ना आपने डेकोरेशन कैसा था, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमने नीचे ही अरेंज कर दिया था सब कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का दावत भी नहीं है, बस 150 मेंबर्स को ही हमने इनवाइट किया था, क्लोज़ रिलेटिव्स को ही, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन भी है ना इसलिए। और सुहाना के टाइम पे तो माशाल्लाह बहुत सारे मेहमानों को हमने इनवाइट किए थे, बहुत ही बड़ा दावत दिए थे, लेकिन अभी मौका नहीं था तो ओके, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना हमने अल्हम्दुलिल्लाह से आयान का हकीका अच्छी तरह से हो गया, बस वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर अभी अब्बू बैठे हुए हैं और मेरे छोटे चाचा हैं, साथ में आयान भी बैठे हुए हैं। अभी हॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दादी माँ और साथ में तीन पप्पू और छोटे वाले चाचा बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पर किचन में काम में लगी हूँ और अम्मी सब लोग कामों में हैं, और अभी हम भी रेडी होना शुरू कर चुके। अम्मी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुके, और पीछे मेरे ताई माँ है और मेरी बहन को चोटी कर रही है, वो मेरे चाची की बेटी है, मेरी कज़िन, और यहाँ पर चाची मेरे बाल कर रही है, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस चोटी हो जाएगी तो मैं रेडी हो जाऊँगी फिर। फाइनली हम सब लोग रेडी हो गए और मैं तो ऑलरेडी नीचे चली गई हूँ अयान को लेकर, और सुहाना और मेरी बहन और चाची, उनके दोनों बच्चे, सब लोग अभी नीचे आ रहे हैं। और फंक्शन तो कब का ही शुरू हो गया था, हम तो बहुत लेट हो गए थे, अयान बहुत सताए थे रेडी होने के लिए, तो उनकी वजह से हमें बहुत लेट हो गया था नीचे आने में। और रिलेटिव्स तो कब का ही आकर हमारे लिए वेट कर रहे थे, हम बहुत लेट हो गए थे अयान को नीचे लेकर आने में। तो फाइनली हम आकर बैठ गए और मेरे गोद में है अयान और साथ में मेरी बेटी सुहाना बैठी हुई है, तो हम तीनों बैठ गए थे। और मेरे हस्बैंड तो बहुत बिज़ी थे, मेहमानों को संभाल रहे थे वहाँ पर खाने की जगह पर, और मैं यहाँ पर अयान को लेकर बैठी थी।
तो आयान के लिए हमने लिया था शेरवानी और सुहाना के लिए लहंगा चोली और मैंने ये साड़ी पहना था। और मेरे हस्बैंड तो आपको अभी नहीं दिखेंगे, बहुत लास्ट में दिखेंगे आपको। और यहाँ पर सारे मेहमान बैठे हुए हैं, रिलेटिव्स मेरे तरफ के हैं, तो यहाँ पर दादी माँ और तीन फूफू और यहाँ पर है मेरे थर्ड चाचा। और इनके घर में ही अभी आगे शादी होने वाली है मेरी कज़िन की, चाचा के बेटे की। और यहाँ पर है तायमा और तायमा की बेटी, मतलब मेरी कज़िन और उसकी बेटी। और यहाँ पर है मेरे फोर्थ चाचा के दोनों बेटियाँ, मेरे दोनों कज़िन्स। और ये दोनों तो माशाल्लाह बहुत ही हेल्प करते हैं हमारी, और आज भी रेडी होने में इन्होंने बहुत ही हेल्प किया था। सुहाना को तो बस कम्प्लीटली ये दोनों ही रेडी कर दिए थे, मैंने तो कुछ भी सुहाना को नहीं पहनाया था, बस मेरे दोनों कज़िन्स ही सुहाना को संभाल लेते हैं हर जगह, कहीं पर भी जाए सुहाना को तो वही तैयार कर देते हैं, और छोटी मोटी हेल्प हमारी भी कर देते हैं रेडी होने में। और बस ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, बस जितना हो सके वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज उतना मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं फ़ोन लेकर निकल जाऊँ सब कुछ शूट करने। तो जितना हो सके उतना मेरी बहन और थोड़ा बहुत मेरी बेटी और थोड़ा बहुत मेरे दोनों कज़िन्स, ऐसा सब कुछ मिल बांट कर छोटा मोटा वीडियो बना कर दे दिए थे मेरे लिए। फाइनली हम भी बैठ गए थे खाना खाने, और यहाँ पर मेरी कज़िन है, मेरी बहन, मैं बैठ गई हूँ, और अम्मी, बड़े अम्मी, बड़े अम्मी के बेटे मेरे भैया, और साथ में मेरे भाई के फ्रेंड्स है, और अब्बू और सुहाना के दादा, सब लोग हम बैठ गए थे। और हम उठ जाएंगे तो फिर मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स सब लोग बैठ कर खाएंगे। तो बस ऐसा रहा था हमारा आज का फंक्शन। और यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड है पिंक शर्ट में, तो उनको मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी। और मैं आपको बताऊँगी हमने फंक्शन में क्या मेनू रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू में मटन बिरयानी है, और रायता, चिकन करी, रुमाली रोटी, दालचा, और
बोटी भाजी हमने रखा और साथ में स्वीट में लड्डू रखा था। तो ये था हमारा हकीके का मेनू। तो अभी मैं भी लंच कर रही हूँ और ना पूरे वीडियो में बस मेरे तरफ के रिलेटिव्स ही आपको देखने को मिले, मेरे हस्बैंड के तरफ के मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं नहीं कर रही थी वीडियो शूटिंग, मेरे बहन और मेरी कजिन्स कर रहे थे तो वो शर्मा कर नहीं गए थे उस साइड पर, तो इसलिए आपको नहीं दिखा पाई थी मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स को। अभी शाम के 5 बज गए थे और अब जाकर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका और सारे मेहमान भी चले गए, बस यही एक रस्म रह गई थी तो वही अभी अम्मी यहाँ पर पूरा कर रहे थे। तो मायके के घर से बेटी के लिए कपड़े या फिर पैसे बनाया जाता है तो वही अभी अम्मी यहाँ पर कर रहे थे। तो अम्मी के घर से हमें मिले थे पैसे तो चारों को, तो फिर उसके बाद फिर चाची आएंगे गिफ्ट देने, फिर उसके बाद बड़े अम्मी आए थे और फिर उसके बाद मेरी बहन करेगी। और आप देख सकते हैं सारे मेहमान भी चले गए और पीछे क्लीनिंग भी शुरू हो गई और अब जाकर हम ये रस्म कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि अयान की वजह से बहुत लेट हो गए थे हम नीचे उतरने में, तो इसलिए पहले सबके सामने कर नहीं पाए थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी हो गए थे मेहमानों को संभालने में तो वो भी नहीं आ रहे थे, नहीं मिल रहे थे यहाँ पर बैठ कर इस रस्म को करवाने में, तो इसलिए बहुत लेट हो गए थे हम। मेरे भाई बैठ गए थे तो मैं करूँगी रसम,
तो हकीके में मामा को कपड़े या फिर पैसे बनाया जाता है, तो मैं लेकर आई थी कपड़े, तो वही अभी मैं मेरे भाई को बनाऊंगी। और अभी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं सबके लिए नाश्ते में रुमाली रोटी थोड़े बहुत रह गए थे कल के फंक्शन के, तो वही सेक कर दे रही हूँ। और बस ज़्यादा लोग नहीं हैं घर में, बस मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले हैं। तो बहुत हद तक सारे मेहमान कल शाम में ही चले गए थे, बस हम लोग ही हैं अभी घर में। तो यहाँ पर लंच का प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गया, नाश्ता तो हमारा हो गया था, और अभी तो घर पूरा मेसी मेसी पड़ा हुआ है। सब चीज़ें बस ऐसे ही फैला कर पड़े हुए हैं, इन सबको मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर अभी दाल चा गरम कर रहे हैं अम्मी, और सुबह में बना दिए थे कलीजी फेफसे का सालन, और साथ में यहाँ पर बिरयानी भी गरम कर किया जा रहा है। बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ही है, वही गरम करके अभी हम दोपहर में खा लेंगे। जिसको जो खाना है वो खाएंगे। और यहाँ पर साथ में थोड़ा वाइट राइस भी हमने बना लिए थे, और साथ में मटन करी भी, थोड़ा बहुत मटन रह गया था तो उसका करी भी हम बना कर रख दिए थे, तो जिनको जो चाहिए वो खा लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अयान का कंप्लीट लुक, कंप्लीट सिर आप देख सकते हैं, बाल निकालने के बाद अयान कैसे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सास बैठे हुए हैं, अब्बू है, और सुहाना के दादा बैठे हुए हैं, और कल के फंक्शन के कपड़े बस ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने उनको अभी तक तो आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी है, जल्दी से तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी धोकर डाल दिए थे। चलो हमें जाएंगे फिर को। ओके ओके, बाय बोलो जल्दी, बाय बोलो। और अभी रात के 7 बज गए थे और अम्मी अब्बू और मेरे बहन भी निकल चुके घर के लिए। और एक 1 वीक में फिर से मुझे अम्मी के घर पर भी जाना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे चाचा के घर में बेटे की शादी है, तो उनके बेटे की शादी है तो उसे अटेंड करने के लिए फिर से मुझे अम्मी के घर पर जाना है। तो फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर मैं अम्मी के घर पर जाऊंगी। तो बस ऐसा रहा था हमारा अयान का हकीके का ब्लॉग, मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में, तब तक।